नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं मैं यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहले पहुंचे। चलिए आज बात करते हैं हम, कभी हमारे पास कुछ ऐसे नेटिव आते हैं कि उनका जो रनिंग बिजनेस है उसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका क्वेश्चन होता है जी हमारा जो डीबीए है वो चेक कर दें, जो भी दशा भुक्ति अंतर अभी चल रहा है कैसा चल रहा है, बिजनेस के लिए वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो अच्छा रनिंग बिजनेस जिसे बोलते हैं, यदि कोई डीबीए आपको सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेन और इलेवन हाउसेस की चले, तो उस पीरियड में जो बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रो करता है, अच्छी उसमें सफलता मिलती है। और यदि डीबीए फाइव सिक्स एट ट्वेल्व नाइन वन इन हाउसेस की चलेगी तो बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, नुकसान ही होता है। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये किसी जातक का चार्ट है। 1 जून 1973 इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, सुबह का इनका जो बर्थ टाइम है वो 7:09:28 है और बर्थ प्लेस हुआ दिल्ली है। इनको जब इन्होंने चार्ट एनालिसिस करवाया तो इनको जुपिटर की दशा चल रही थी, जुपिटर की दशा इनको चलनी थी 7 जून 2020 तक। और जुपिटर मून के स्टार में और मरकरी के सब में, जुपिटर अब देखिए कि जो राशि चार्ट है उसमें एट्थ हाउस में और भाव चार्ट उसमें भी एट्थ हाउस में है। मून भाव चार्ट में 12th house, 3rd and 3rd house का वो लॉर्ड है, और राशि चार्ट में मून और सन सेम डिग्री पे है, सन 12th house, सब मरकरी 12th house, और इस चार्ट में मरकरी जो है वो अनटेनेंटेड है और वो 5th house का कस्पल सब लॉर्ड बना। मरकरी और वीनस राशि चार्ट में डिग्री वाइज काफी नजदीक है और वीनस भी इस चार्ट में 12th house और 5th house का वो लॉर्ड बना। अब हमें पता चल गया कि जो दशा लॉर्ड है वो देखिए प्लैनेट लेवल पे भी 8th house दे रहा है, पैसे की ब्लॉकेज 12th house लॉस दे रहा है, सन भी 12th house लॉस दे रहा है, सब मरकरी 12th house लॉस दे रहा है, 5th house 6th house से 12th house बना, तो जो गेन है अब नेटिव को नहीं होगा, ओपोनेंट को होगा। जो 1st house सेल्फ नेटिव उसके सामना 7th house जिससे हम बिजनेस करते हैं या जो हमारी कस्टमर है वो, 6th house सामने वाले का लॉस और नेटिव का गेन। अब यहां 5th house बोला, 5th house यह है सामने वाले से 11th house गेन टू ओपोनेंट, और वीनस के साथ है, वीनस भी 12th house और वीनस 5th house का लॉर्ड बना। मतलब ये जो पूरी दशा है 2020 तक
ये जातक के बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और कोई भी गुड जो हाउसेस है सिवाय सेकंड हाउस के कुछ भी हमें सिग्निफाई नहीं हो रहा है। और इनको मार्स की भुक्ति थी जो इनको चलनी थी 13 जनवरी 2018 तक। मास देखिए कुंडली में और राशि चार्ट में, मास जो है इस चार्ट में नाइन्थ हाउस में है और सिक्स एंड इलेवेंथ हाउस का वो लॉर्ड बना, जो कि काफी गुड हाउस है बिजनेस के लिए। और ये जो मास था ये जुपिटर के स्टार में चला गया, जुपिटर एट्थ हाउस में। और मास जो है वो आगे सैटर्न के सब में चला गया, और सैटर्न इस चार्ट में अनटेनेंटेड है और सैटर्न 12th हाउस में और 10th हाउस का वो लॉर्ड बना, एंड कस्पल सब लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 7, 8 और 9। मार्स खुद प्लेनेट लेवल पे नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस से 12th हाउस, 6, 11 गुड हाउस है, लेकिन प्लेनेट से स्टार जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन स्टार ने हमें 8th हाउस दे दिया, एंड सब जो डिसाइडर है वो 12th हाउस में चला गया, लॉस के हाउस में चला गया। 10th हाउस का लॉर्ड बना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज मार्स जो मार्स है वो सैटर्न के सब में है, सैटर्न जो है अनटेनेंटेड है और वो नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लोड है जो 10th हाउस को डिनाई करता है, और 8th हाउस पैसे की ब्लॉकेज, 7th हाउस सामने वाला, 1st हाउस नेटिंग। तो हमें दशा लॉर्ड में 5 एंड 12 हाउस और भक्ति में हमें 8 और 12 हाउस, 5, 8, 12, 9, 1। इसके बाद इनको नेक्स्ट जो भक्ति थी वो थी राहु की, लास्ट जुपिटर में राहु की भक्ति, वो इनको 7 जून 2020 तक चलने वाली थी। राहु देखिए 7th हाउस में, राहु राशि चार्ट में, राहु गुरु के साइन में है तो वो रिप्रेजेंट जो है वो जुपिटर का रिकॉर्ड करेगा, रिप्रेजेंट जुपिटर, जुपिटर जो है वो 8th हाउस में है। राहु आगे वीनस के स्टार में चला गया, वीनस 12th हाउस में, 5th हाउस का वो लॉर्ड बना, और मरकरी के साथ बिल्कुल क्लोज डिग्री पे है वो, और मरकरी भी 12th हाउस में, और मरकरी इस चार्ट में अनटेनेंटेड और 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना। सब जो है राहु का वो सन, सन देखिए वो भी 12th हाउस में, 4th हाउस का वो लॉर्ड बना, और सन भी इस चार्ट में जो है वो अनटेनेंटेड है, और यदि कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड हो जाए तो वो जिन हाउसेस का कस्पल सब लॉर्ड बनेगा उनको भी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करेगा, और यदि वो कस्पल सब लॉर्ड नहीं बनता तो जिन हाउसेस का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बनेगा उन हाउसेस को स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा, उन हाउसेस का वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो इस चार्ट में सन जो है वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना 4 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस का, और प्लस मून के साथ सेम डिग्री पे है, और मून भी 12 हाउस और सेकंड एंड थर्ड हाउस, मतलब 13 जनवरी 2018 जो मार्स की भुक्ति निकल गई उसके बाद उनको अब राहु की भुक्ति चल रही है। राहु 7 हाउस सामने वाला, पैसे की ब्लॉकेज,
यहाँ लॉस, फिफ्थ हाउस ओपोनेंट गेन टू ओपोनेंट, यहाँ भी लॉस गेन टू ओपोनेंट, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, एट्थ हाउस पैसे की ब्लॉक, यहाँ भी लॉस। मोस्टली डीबीए में जितने प्लैनेट हैं इनके वो 1, 5, 8, 9, 12, मतलब ये जो पूरी दशा जुपिटर की थी और लास्ट भुक्ति तक इनको बिजनेस में लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो कहीं भी दिख नहीं रहा। जब ये चार्ट एनालिसिस किया और जब ये मार्च की भुक्ति इनको चल ही रही थी, तभी इनका फोन आ गया कि जी मैंने अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दिया गया है, उसमें काफी हमें लॉस जो है वो सहना पड़ा है। जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, तो यदि कोई नेटिव आपसे पूछे कि मेरा करंट जो दशा भुक्ति अंतर है, यदि वो बिजनेस के बारे में पता करना चाहता, तो आपको ये हाउसेस जो है, गुड हाउसेस एंड बैड हाउसेस, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बड़ा इजीली प्रेडिक्ट कर देंगे कि आपकी जो डीबीए है उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मैसेज कीजिए। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।